नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ज्यादा हो गया क्या, कम करते हैं तो इसी तरीके से आप भी अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के द्वारा। आपको कोई बड़ा कैमरा नहीं लेना है, कोई बड़ा मोबाइल नहीं लेना है, आप अपने छोटे सिंपल मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। अपने वीडियो को एक अलग लुक दे सकते हैं, एक अट्रैक्टिव प्रोफेशनल वीडियो आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो को ब्लर कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं ताकि एक अलग लुक आपके वीडियो में आ सके। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर आपको काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। काइन मास्टर अगर आपके पास नहीं है तो इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप इस काइन मास्टर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो काइन मास्टर को आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, आपको हर जगह ये काइन मास्टर मिल जाएगा, शायद आपके पास खुद भी होगा। तो काइन मास्टर आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से काइन मास्टर आपके मोबाइल में खुलेगा। यहाँ पर आपको क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद आपको न्यू, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला रेशियो, और आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये ऐप खुल जाएगा। आपको एक बैकग्राउंड में जो भी इमेज चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से। ये जो बैकग्राउंड कलर होता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की है, अपने फेस वाले वीडियो, उसको आपको यहाँ पर लेना है। जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो बनाई हुई है तो मैं आपको ये यहाँ पर लेके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि मेरी अभी मैंने रिकॉर्ड की थी वो वाली वीडियो है। तो इसी वीडियो को मैं आपको यहाँ पर लेके दिखा देता हूँ, जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पर ले ली है, और यहाँ पर आपको उसको पूरे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। बहुत ही आपको डिटेल में देखना है कि कैसे मैं ये करने वाला हूँ। तो बहुत ही कमाल का इफ़ेक्ट आता है, बहुत ही कमाल का वीडियो यहाँ पर ये बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो ले लिया है। इसके बाद आपको इसमें एक ब्लर इफ़ेक्ट लगाना है। यहाँ पर आपको ब्लर इफ़ेक्ट दिख जाएगा, ये वाला जो इफ़ेक्ट है इस पर आपको जाना है। ब्लर इफ़ेक्ट पर क्लिक करना है, बेसिक इफ़ेक्ट पर जाना, और जो आपको ये वाला इफ़ेक्ट दिख रहा है ना, ये वाला गॉसियन ब्लर, तो इस पर आपको जाना है। पूरी स्क्रीन पर आपको ये ब्लर इफेक्ट कर लेना है, पूरी स्क्रीन पर आपको ये ब्लर कर देना है। आप इस ब्लर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था। जैसे कि यहाँ पर आपको जाना है ओपेसिटी पर, तो इसको आपको इस ब्लर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको ब्लर चाहिए है उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ फुल ब्लर कर देता हूँ। इसके बाद आपको वही वीडियो दोबारा लेना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और आपको जो वीडियो आपने अभी लिया था उसी वीडियो को दोबारा आपको यहाँ पर ले लेना है। दोबारा आपने वीडियो लिया, इसको पूरे अच्छे तरीके से स्क्रीन पर सेट किया, जैसे पहला वीडियो आपने सेट किया था उसी पोजीशन में, उसी जगह पर इस वीडियो को सेट कर देना है। अब यहाँ पर सेट करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आता है रिमूव, मैजिक रिमूवर का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैजिक रिमूवर का। तो जो आपने दूसरा वीडियो लिया है, ठीक है, जो ऊपर वीडियो ये लेयर आपको दिख रही है, इस पर ब्लर इफेक्ट नहीं है अभी, तो इस वीडियो में आपको वो इफेक्ट ये लागू कर देना है, मैजिक रिमूवर। तो कुछ ही टाइम के बाद, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, कुछ टाइम के बाद ये पूरा जो बैकग्राउंड है उस वीडियो का वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और बहुत ही कमाल का इफेक्ट आएगा। मैं ये हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिमूव है वो हो चुका है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, इस पर जो इफेक्ट है वो लग चुका है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ये एडजस्ट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो पीछे की लेयर है वो आगे की लेयर से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं वो भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप इस पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा सी आपको लेयर को ऐसे कर देना। देखो अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आया है, कितना अच्छे से वीडियो ये चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट इसमें आया है, कितना अच्छे से यहाँ पर इफेक्ट आप देख सकते हैं, कितना अच्छे से इफेक्ट ये चल रहा है, कितना सही तरीके से पूरा बैकग्राउंड इसका ब्लर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा बैकग्राउंड इसका जो ब्लर है वो हो चुका है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसके देखना चाहें कि इसका बिना ब्लर के कैसे लगेगा, तो बिना ब्लर के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर जाएंगे, ऑफिस पर करेंगे तो आप देख सकते हैं बिना बैकग्राउंड कैसे लग रहा था ये।
बिना ब्लर बैकग्राउंड कैसे लग रहा था, और इसको अगर ब्लर करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक अच्छा लुक आता है वीडियो में, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, एक गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का वीडियो यहाँ पर ये बनता है। तो आप कुछ इस तरीके से इस वीडियो को आसानी से बना सकते हैं, अपनी बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। बाकी आपको काइनमास्टर में एडिटिंग आती होगी, इस वीडियो को बनाकर आप यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप सेव कर सकते हैं और आसानी से अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ तरीके से वीडियो बहुत ही कमाल का बनने वाला है, आपको एक नई यूनिक चीज़ सीखने को मिली है आज। तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दें, साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए और यूनिक वीडियो मिलते रहें। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको उसका सही आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।